हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि एचआरएम के ये पार्ट नंबर 3 है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आपका पार्ट 3 है। तीनों पार्ट देख लेना, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉई परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है यहाँ पर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहा जाता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस कहा जाता है, कि यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल की एवोल्यूशन। तो क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डैश इज़ द स्टेप वेयर द मैनेजमेंट फाइंड्स आउट हाउ इफेक्टिव इट हैज़ बीन एट हायरिंग एंड प्लेसिंग एम्प्लॉय। तो कौन सा स्टेप होता है जहाँ पर मैनेजमेंट ये ढूंढता है कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है एक एम्प्लॉई को हायर करने में, और उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। तो क्या चीज़ें होती हैं, दैट इज सी ऑप्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल हम उसे कहेंगे। विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पर कौन सा एक उद्देश्य नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। असेसमेंट ऑफ यहाँ पर परफॉर्मेंस, हाँ बिल्कुल होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। बी की बात करें, मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, ये भी होता है। फिर अगर हम बात करें मेजरिंग द इफ़िशेंसी, तो ये भी चीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिज़ाइन करें, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। बाकी की चीज़ें आती हैं, आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो दैट इज़ डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो उद्देश्य होता है, गोल होता है, अचीवमेंट क्या होता है, पहला गोल्स ऑफ एम्प्लॉय, बी गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोथ इन बे ही नाइदर ए नॉर बी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेसिकली मेन उद्देश्य ये होता है कि एम्प्लॉय का गोल्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन का क्या उद्देश्य है, एम्स की बात करें, इन दोनों पे क्या काम करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पर एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का उद्देश्य नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट सेटिस्फैक्शन है, वर्क सेटिस्फैक्शन है, ट्रेनिंग है, वर्क है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ट्रेनिंग है एक तरह का आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का एम नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी के फंक्शंस को देखें, बाकी के उद्देश्य को देखें, कि यहाँ पर वर्क सेटिस्फैक्शन हो गया, वर्क हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट फंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एक उद्देश्य में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड एक तरह का यहाँ पर स्टेप होता है, याद रखना। कंपेयरिंग एक्चुअल स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड। सी है डिस्कसिंग द रिजल्ट, लेकिन एडजस्टिंग द स्टैंडर्ड या को स्टेप नहीं होता है। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, स्टैंडर्ड कम्युनिकेट करना, रिजल्ट्स को डिस्कस करना, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें स्टेप होती हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये स्टेप नहीं होती है, डी ऑप्शन। सेवन्थ है, द एक्सपेक्टेड एम आउटकम फ्रॉम द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्या कहा जाता है। डिसाइडेड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जनरल आउटकम की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। तो एक्सपेक्टेड आउटकम फ्रॉम द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसे हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर एम्प्लॉय का मेजर्ड या कंपेयर्ड किया जाता है किस चीज़ से, स्टैंडर्ड से, ग्रुप परफॉर्मेंस से, सॉरी स्टैंडर्ड से, बी है अदर मेंबर से, प्रीवियस परफॉर्मेंस से, कि डी है ग्रुप परफॉर्मेंस। तो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी भी एम्प्लॉय का मेजर्ड किया जाता है, तो वो किससे कंपैरिजन किया जाता है, स्टैंडर्ड से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई द गैप ऑफ द अबव, बी है गिव दें ट्रेनिंग देंगे, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, कि ऑल ऑफ दी। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं, जो भी गैप है, मतलब हम इस साल के अंतर को पिछले साल के अंदर से एज अ परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो भाई क्या चीज़ें उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ का गैप है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
कम्युनिकेटिंग द टास्क टू द एम्प्लॉय इज नेसेसरी सो दैट दे कैन बी परफॉर्म अकॉर्डिंगली। तो ए है रिवॉर्ड्स स्टैंडर्ड अवार्ड्स की टारगेट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स टू द एम्प्लॉय। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है ताकि वो अपनी जो भी टास्क हैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको परफॉर्म कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय टू प्लेस राइट मैन टू द राइट जॉब। मतलब ये किस चीज़ का, अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, सिलेक्शन का, फीडबैक का, मतलब जैसे कि जिस हिसाब से आपकी जो भी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ की वीकनेस है या स्ट्रेंथनेस है उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब पर रखा जाएगा, राइट मैन ऑन अ राइट जॉब। तो ये किस में होगा, बी परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के एडवांटेज या मेरिट्स में नहीं आते हैं। कंपेंसेशन, कम्युनिकेशन, सेलेक्शन की मोटिवेशन, तो ऑप्शन नंबर सी सेलेक्शन जो होता है वो आपका नहीं शामिल होता है किसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स में बार्क्स स्टैंड फॉर। अभी हमने ये क्वेश्चन बताया है, इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी आपको रेटिंग स्केल देखेगा बार्क्स के फुल फॉर्म में, तो यहाँ पर वही होगा, ठीक है, रेटिंग स्केल। यहाँ पर हमने बात किया है बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज़ एन एंटायर एक्सरसाइज डन अंडर द ट्रेनर हु ऑब्जर्व्स द एम्प्लॉय बिहेवियर एंड देन डिस्कस इट विद देयर रेटर हु फाइनली क्या करता है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखता है, कंपैरिजन मेथड में देखता है, बार्क्स में असेसमेंट सेंटर की 360 डिग्री, यहाँ पर 360 होगा, 10 नहीं होगा, तो सी दैट इज असेसमेंट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डैश इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू हैव अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। बार्क्स हो गए, असेसमेंट सेंटर हो गए, MBA की 360 डिग्री, तो डैट इज़ डी 360 डिग्री अप्रेजल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग एक परफॉर्मेंस अप्रेजल बाइस नहीं है, तो रॉन्ग सर्वे यहाँ पर एक तरह का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वर्कर हैज़ अ लो एब्सेंस हिज सुपरवाइजर माइट गिव हिम अ हाई रेटिंग इन ऑल अदर एरियाज ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जांपल है बायस इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, परफॉर्मेंस बायस की स्टेरोटाइपिंग। इफ वर्कर हैज़ अ फ्यू एब्सेंसेस, तो ऐसे केस में सुपरवाइजर क्या होता है, हाई रेटिंग सारे अदर केसेस ऑफ वर्क की बात करें तो दैट इज इन हेलो एफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज नॉट फॉर्मली ड्रेस्ड अप इन द ऑफिस ही मे बी कैजुअल एट वर्क टूल। ये एग्जांपल है किस चीज़ का है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, हॉर्न इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ हॉर्न इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फर्स्ट इम्प्रेशन इन अ परफॉर्मेंस अप्रेजल बाइस क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है आपका प्राइमरी इफेक्ट डिनोट करता है। नेक्स्ट है 20 है प्रोफेसर विद व्यू टू प्ले इट सेफ माइट गिव अ क्लास ग्रेड नियर द इक्वल टू बी रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, सेंट्रल टेंडेंसी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 21 है द पर्सन हु हैज़ अ गुड परफॉर्मर इन डिस्टेंस पास्ट इज एज्यूम टू बी ओके एट प्रेजेंट। ये एग्जाम्पल है हेलो का, सेंट्रल टेंडेंसी, हॉर्न की, स्पिल ओवर इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी स्पिल ओवर इफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 डैश इवेल्युएट्स वेदर ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम बीन इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इफेक्टिव। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक, सर्वे की एग्जिट, इंटरव्यू, तो ये इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, तो दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पर इसमें शामिल होंगी।
नेक्स्ट है द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इट्स। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है एक इंडिविजुअल का वो किस चीज़ में मेजर्ड किया जाता है, इनपुट और आउटपुट में, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में, कि रिटर्न्स टू द ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस अर्न बाय हिम। तो दैट इज बी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में यहाँ पर क्या है, मेजर्ड किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी भी इंडिविजुअल का। दिस द स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फाइंड आउट द डेविएशन ऑकर्ड इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिक्स स्टैंडर्ड, कम्युनिकेशन करना, मेजर करना और डिस्कस करना। दैट इज डी, डिस्कस अप्रेजल विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टिव एक्शन इन परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। करेक्ट डेविएशंस, चेंज स्टैंडर्ड, नाइदर ए नॉर बी, बोथ हैं। तो जो करेक्टिव एक्शन होता है परफॉर्मेंस में वो आपकी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे करेक्टिव डेविएशन की बात करें, चाहे चेंज स्टैंडर्ड की बात करें। 26 है एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है फीडबैक टू एम्प्लॉयर, सुपरविजन, ट्रेनिंग की ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर ए, फीडबैक टू एम्प्लॉय जो है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ ऑफ, अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखें तो ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। चलिए 27, बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल टू द ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन शामिल होती हैं, लीगल प्रोटेक्शन शामिल होता है, मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन सिस्टम शामिल नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है द रेटर इज फोर्स्ड टू आंसर द रेडी मेड स्टेटमेंट एज गिवन इन द ब्लॉक्स ऑफ टू अ मोर। तो ये सही है कि गलत है, ये मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। रेटिंग स्केल फोर्स्ड चॉइस की चेकलिस्ट, तो दैट इज सी, फोर्स चॉइस। क्वेश्चन नंबर 29, मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। बाक्स, असेसमेंट सेंटर, एमबीयू, ठीक है, क्या चीज़ें यहाँ पर शामिल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर बाक्स जो है वो शामिल नहीं होती। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीए किसके द्वारा दिया गया, तो अभी हमने पढ़ा पीटर ट्रकर के द्वारा। तो ये कुछ 30 एमसीक्यू थे जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।